press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी J7 विशेष जायमी का Redmi Note 3, उन दोनों मोबाइल की जो स्पीड है उसकी टेस्ट कंपैरिजन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर लेफ्ट साइड देख सकते हैं, जायमी Redmi Note 3 का मोबाइल है जिसकी प्राइस है 12,000 रुपीज़, 32 GB स्टोरेज मिलेगा, 3 GB RAM मिलेगी और जो प्रोसेसर है वो 1.8 GHz ऑक्टा कोर का मिलेगा। और राइट साइड है सैमसंग गैलेक्सी J7 2016 का मॉडल, उस वक्त इसकी प्राइस थी 15,000 रुपीज़, लेकिन अभी लेना है तो अमेजोन पे 11,500 में मिल जाएगा। उसका प्रोसेसर है 1.5 GHz ऑक्टा कोर है। तो सबसे पहले लॉक है सैमसंग गैलेक्सी J7 में खुल गए, हम एक काम करते हैं स्टॉपवॉच है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो देखते हैं कि दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन कम समय में, सभी एप्लीकेशन सेम ही है तो कौन सा फ़ोन है वो सभी एप्लीकेशन को सबसे कम समय में ओपन करता है। जायमी Redmi Note 3 वो अभी लॉक खुल रहा है, जैसे उसका लॉक ओपन होगा तो वो उसमें भी देखिए ओपन हो गया, स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देते हैं और उसमें भी जो सभी एप्लीकेशन की टेस्ट है वो शुरू कर देते हैं। मैं आपको बता दूं कि Redmi Note 3 का जो प्रोसेसर है 1.8 है और जायमी Redmi Note की कंपनी में सैमसंग गैलेक्सी का प्रोसेसर है वो कम है थोड़ा सा, लेकिन जो सैमसंग गैलेक्सी का जो लॉक है वो सबसे पहले खुला, लेकिन एप्लीकेशन मेरे ख्याल से सैमसंग गैलेक्सी के कंपेयर में Redmi Note 3 में है वो फास्ट खुल रही है। 7 में जो 1.5 GB की रैम आती है वो टर्बो टेक्नोलॉजी के साथ आती है जिससे आपका फ़ोन है वो लैग कम होगा, लेकिन जायमी Redmi Note 3 वो 3 GB RAM दे रहा है तो सबसे पहले एप्लीकेशन उसमें ही ओपन होगी। हालांकि जो लॉक है वो सैमसंग गैलेक्सी J7 में पहले खुला, लेकिन अभी एप्लीकेशन मेरे ख्याल से सैमसंग गैलेक्सी J7 की कंपनी में Redmi Note 3 में सबसे फास्ट खुल रही है। और अभी हमने स्टॉप वॉच है वो काउंट हो रहा है तो स्टॉप वॉच से पता चल जाएगा कौन सा फ़ोन है कितने समय में सभी एप्लीकेशन है वो खोल देता है। जो सभी एप्लीकेशन है वो सेम ही है दोनों मोबाइल में। अभी J7 फ़ोन है उसके कंपनी में जायमी Redmi Note 3 ने सभी एप्लीकेशन कंप्लीट की है, 59.7 सेकेंड में सभी एप्लीकेशन कंप्लीट कर ली है, लेकिन J7 फ़ोन है उसका टाइम लगा 1 मिनट एंड 24 सेकेंड। दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, जो Redmi Note 3 फ़ोन है वो विन होता है। जायमी Redmi Note 3 का फ़ोन है वो सैमसंग गैलेक्सी J7 के कंपेयर में 59 सेकेंड में सभी एप्लीकेशन को ओपन कर दी और सैमसंग गैलेक्सी J7 को 1 मिनट एंड 24 सेकेंड लगी। तो दोस्तों, बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए हो। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।